एक चीज जो हम सबको हर वक्त जहन में रखनी चाहिए, मियां साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके सामने ये बात नहीं करती, लेकिन आप ये देखिए कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की, जो जो भी किरदार थे, ऐसा लगा कि वो कुदरत ने एयर मार्क किए, एक एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा, और सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचा, सिर्फ घर नहीं गया, रुसवाई और जिल्लत समेट के गया। तो ये जो दुनियावी तरीकाकार है, ये जो दुनियावी हकीकतें हैं, उससे बढ़ के एक आसमान का निजाम है, वो अपने वक्त पे हरकत में आता है, लेकिन जब हरकत में आता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। और आप ये देखें कि बहुत बार, हर बार बल्कि ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सियासत खत्म हो गई, उनकी पार्टी खत्म हो गई, वो अब सियासत में इरेलेवेंट हैं, अब वो ता हयात ना अहद हैं। तो ये मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जरूर, कि एवरी सिंगल टाइम अल्लाह ताला के फजल व करम से दिस मैन हैज रिजन फ्रॉम द एशेस, अल्लाह ताला के फजल व करम से सेटबैक्स उन्होंने बहुत देखे, और शायद मैं भी बतौर बेटी उन सेटबैक्स का मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि उनकी सेवेरिटी क्या होगी। बहुत देखे, जब से मुशर्रफ ने टेक ओवर किया उस दिन से ये शुरू हुआ। लेकिन एक अंग्रेजी की कहावत है कि इस कम बैक्स हैव बीन ग्रेटर देन हिज सेटबैक्स, माशाल्लाह।